हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की फुटप्रिंट विदाउट फीट से फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और आपके चैप्टर का नाम है अ ट्रिप ऑफ सर्जरी। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज़ मिसेस पम्फ्री, जो कि इसकी एक मेन कैरेक्टर है, वरीड अबाउट ट्रिकी। तो जो मिसेस पम्फ्री थी वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों हैं। मिसेस पम्फ्रे इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस, वो थोड़ा आलसी दिखाई दे रहा है इसलिए वो वरीड होती हैं। सी थिंक्स दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और वो क्या समझती हैं कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वाट डज सी डू टू हेल्प हिम, वो उसकी मदद करने के लिए क्या करती हैं। इज सी वाइज इन दिस, की क्या वो इसमें बुद्धिमान है या वो इस काम में को सही कर रही हैं। सी कॉल्स द डॉक्टर टू सी हिम एज ही वॉज अनवेल, तो वो डॉक्टर को बुलाती हैं क्योंकि वो उन्हें सही नहीं लगता है। यस, सी वॉज वाइज दिस टाइम, और इस बार वो बिल्कुल सही है। द डॉक्टर टोल्ड हर दैट ट्रिकी नीडिड टू बी हॉस्पिटलाइज, तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो बताता है कि ट्रिकी को ज़रूरत है कि उसे एडमिट कर दिया जाए, हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। कि वो अपने डॉग को बड़ा प्यार करती हैं, तो इसकी वजह से सी वाज क्राइंग ओवर इट बट लेटर एक्सेप्टेड दैट शी नीडेड टू लिसन टू द डॉक्टर, वो पहले तो बहुत रोती हैं लेकिन फिर वो स्वीकार कर लेती हैं कि उन्हें डॉक्टर की बात को मान लेना चाहिए और उन्हें ज़रूरत है उनकी बात को सुनने की। हाउ डज ही ट्रीटेड द डॉग, डॉक्टर किस तरह से डॉग का ट्रीटमेंट करता है। ही टेक्स द डॉग टू हिज क्लिनिक, सबसे पहले तो वो उसे अपने क्लिनिक लेकर जाता है। देयर ही डज नॉट गिव हिम मच फूड, वो वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा खाना नहीं देता है। ही कीप्स हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, और वो एक उसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखता है। ही कीप्स हिम अंडर ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान उस पर रखा जाता है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ट्रिकी चेंज, अब जब दूसरा दिन हो जाता है हॉस्पिटल में जाने के बाद, जब दूसरा दिन होता है तो ट्रिकी में कुछ चेंज देखने के लिए मिलता है। ही स्टार्ट शोइंग सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, और वो अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। ऑन द थर्ड डे इट विम्पर्स, और जब तीसरा दिन होता है तो वो थोड़ी आवाज़ें करने लगता है। वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, तो देखिए ऐसा क्या था कि यहाँ पर कहा गया है डॉक्टर को, ऐसा क्या था कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर को लालच आ गया था कि वो ट्रिकी को स्थायी रूप से अपने पास रख ले, एक परमानेंट गेस्ट बनाकर रख ले। ही इज़ टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट, वो उसे परमानेंट गेस्ट इसलिए रखना चाहता था बिकॉज दैट वे दे वुड गेट एग्स वाइंस एक्सेट्रा, तो जिस तरीके से उन्हें जो है एग्स मिल रहे थे हर रोज़, वाइन मिल रही थी, तो यही कारण था कि वो ट्रिकी को अपने पास परमानेंट गेस्ट बनाकर रख लेना चाहता था। दिस इज सप्लाई बाय मिसेस पम्फ्रे, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिसेस पम्फ्रे के द्वारा सप्लाई की जा रही थी। नॉट फॉर देम बट ट्रिकी, वो उनके लिए नहीं यानी कि डॉक्टर्स के लिए वो सप्लाई नहीं की जा रही थी, वो ट्रिकी के लिए सप्लाई की जा रही थी। मिस्टर हैरियट डज नॉट गिव दिस थिंग टू ट्रिकी, और जो डॉक्टर थे वो ये सारी चीज़ें जो ट्रिकी के लिए आती थी ट्रिकी को नहीं देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज मिसिस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिप ऑफ सर्जरी। मिसिस पम्फ्रे ऐसा क्यों सोचती हैं कि डॉग का ठीक होना सर्जरी की जीत है। सी थिंक्स सो बिकॉज इट इज़ द सर्जरी दैट इज़ हॉस्पिटल दैट हैड मेड ट्रिकी ऑल राइट, क्योंकि वो हॉस्पिटल था जिसे सर्जरी कहा जा रहा है और उसी की वजह से, वहीं जाने की वजह से ट्रिकी जो है ठीक हुआ था, इसीलिए मिसेस पम्फ्रे उसे ट्रिप ऑफ सर्जरी कहकर बुलाती हैं। वाट मेड जेम्स हैरियट एक्सपेक्टेड अ कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, तो जेम्स हैरियट श्रीमती यानी कि जो मिसेस पम्फ्रे थी उसके बुलावे की उम्मीद क्यों कर रहे थे, यानी कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों सोचा था कि मिसेस पम्फ्रे जो है उन्हें बुलाएंगी।
तो देखिए, जेम्स हैरियट्स एनकाउंटर विद मिसेस पम्फ्रे एंड ट्रिकी मेड हिम एक्सपेक्ट कॉल फॉर हेल्प। तो देखिए, उनकी मुलाकात हुई थी रास्ते में मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी और डॉक्टर की, तो उसे देखकर उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ट्रिकी को मदद की ज़रूरत है और इस मदद के लिए फ़ोन ज़रूर आएगा। ही वॉज श्योर दैट द एक्स्ट्रा डाइट एंड नो फिजिकल एक्टिविटी वुड सून पुट ट्रिकी हेल्थ इन डेंजर। और उन्हें जो है अनुमान हो गया था पहले ही कि जैसे कि उसे एक्स्ट्रा डाइट दी जा रही है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराई जा रही है, इसकी वजह से जो हेल्थ है ट्रिकी की वो डेंजर में आ जाएगी। एंड जस्ट एज एंटिसिपेटेड मिसिस पम्फ्रे कॉल्ड द वेट अ फ्यू डेज आफ्टरवर्ड। और जैसा कि पहले ही सोच लिया गया था, तो मिसेस पम्फ्रे जो है डॉक्टर को कुछ दिनों के बाद बुलाती है। विच थिंग्स डिड ट्रिकी लव टू ईट। कौन सी चीज़ें ट्रिकी को खाना पसंद था। ट्रिकी लव टू ईट स्वीट फूड्स आइटम्स जैसे कि क्रीम केक्स, चॉकलेट्स वर हिज फेवरेट। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो ट्रिकी था उसे मीठी चीज़ें खाना बहुत पसंद था, जैसे कि क्रीम केक था और चॉकलेट थी। आगे है, व्हाट स्टेप वर टेकन बाय मिसेस पम्फ्रे व्हेन सी फाउंड ट्रिकी अ लिटिल सिक। तो जब मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी को थोड़ा बीमार देखा तो उन्होंने क्या कदम उठाया। सी गेव हिम सम एक्स्ट्रा फूड टू रिप्लेनिश हिज लॉस्ट एनर्जी। उन्होंने क्या सोचा कि ट्रिकी के अंदर एनर्जी नहीं है, वो खड़ा नहीं होता है, घूमता फिरता नहीं है, तो उन्होंने जो है एक्स्ट्रा फूड देना शुरू कर दिया। सी गेव हिम सम माल्ट कॉड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। तो उन्होंने जैसे मछली का तेल है या हॉर्लिक्स है, ये सारी चीज़ें देना शुरू कर दी। सी गॉट हिम हॉस्पिटलाइज्ड और फिर उन्होंने जो है उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिसेस पम्फ्रे ने की। डू यू थिंक ट्रिकी वाज इंजॉइंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल। क्या आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या ट्रिकी को आनंद आया था जब वो हॉस्पिटल में था, उसे अच्छा लगा। यस, ट्रिकी वाज डेफिनेटली इंजॉइंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल। डेफिनेटली उसे अच्छा लग रहा था वहाँ पर। ही हैड बीफ्रेंडेड, उसके तो दोस्त बन गए थे, उसने दोस्ती कर ली थी द गैंग ऑफ सैबी हाउस होल्ड डॉग। वो जो वहाँ पर कंजूस डॉग थे ना उस घर में, उनसे उसने दोस्ती कर ली थी। ही हैड फाउंड अ न्यू जॉय इन बींग बाउल्ड ओवर ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेस्ट। तो देखिए, उसे जो है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी कि बाउल की तरफ भागना और एक दूसरे को दबा देना, ये सारी चीज़ें उसे अच्छी लगती थी। ही हैड ऑल्सो बिकम वेरी एनर्जेटिक, वो काफ़ी एनर्जेटिक भी हो गया था वहाँ पर दूसरे डॉग्स को देखकर उनके साथ भाग दौड़ करके। ही यूज़ टू प्ले एंड रन ऑल डे अलोंग विद द डॉग्स। अब वो पूरा दिन दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ता था, खेलता था। ही वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम और वहाँ पर उसे बहुत अच्छा समय बिताने के लिए मिला था। तो ऐसे आपके सभी क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी ही हम लॉन्ग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।